नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। आईपीएल 2021 में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच एक अहम मुकाबला खेला गया। ये दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो का मुकाबला था और इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत बेहद खराब रही। एवन लुइस के बाद जल्द ही यशस्वी जायसवाल भी वापस पवेलियन लौट गए थे। दोनों ने पिछले मैच में जबरदस्त पारियां खेली थी और टीम को उनसे अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन दोनों ऐसा करने में नाकाम रहे। जल्द ही इसके बाद शानदार फॉर्म में चल रहे कप्तान संजू सैमसन का भी विकेट गिर गया, जिससे टीम को गहरा झटका लगा। जी हाँ, संजू सैमसन 6 गेंदों पर केवल 3 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। आपको बता दें, इस सीजन संजू सैमसन ने जबरदस्त कंसिस्टेंसी दिखाई थी, लेकिन इस मुकाबले में वो नहीं चल पाए और जेम्स नीशम का शिकार हो गया। वो कवर के ऊपर एक बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन वो आसान सा कैच जयंत यादव को थमा बैठे और वापस पवेलियन लौट गए। राजस्थान रॉयल्स की टीम गहरे संकट में नजर आ रही थी और मुंबई के गेंदबाज उन पर बहुत हावी हुए पड़े हुए थे। एक समय टीम का स्कोर 50 रन के स्कोर पर 4 विकेट था। आपको बता दें, इस मुकाबले को जीतने वाली की टीम की प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार रहेंगी, वहीं हारने वाली टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।